अमृत महोत्सव के अवसर पर मंगलवार को साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में एनसीसी और एनएसएस के कैडेट से भाग लिया। साइकिल रैली दशहरा मैदान से प्रारंभ हुई, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा पर संपन्न हुई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मंगलवार को साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मंगलवार को अग्रणी महाविद्यालय के निर्देशन में जिले के शासकीय एवं अर्धशासकीय महाविद्यालय के सहयोग से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में जिले के सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय के एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स ने भाग लिया। रैली दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल से प्रारंभ हुई, जहाँ भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एलएन शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया गया। रैली गांधी वाटिका से प्रारंभ होकर प्लेटिनम चौराहे होते हुए सीआरपीएफ गेट स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर समाप्त हुई। उक्त कार्यक्रम का संचालन एनसीसी अधिकारी प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, एनएसएस अधिकारी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सोलंकी एवं क्रीड़ा अधिकारी संजीव थोरेचा द्वारा किया गया। अंत में आभार कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अर्चना पंचोली द्वारा माना गया। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के अंतर्गत पीजी कॉलेज और अन्य शासकीय अशासकीय कॉलेज नीमच जिले के उन सभी के एनसीसी और एनएसएस के छात्रों के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। यह साइकिल रैली गांधी वाटिका नीमच से प्रारंभ होकर के सरदार पटेल चौराहे सीआरपीएफ तक आई है और इसमें महाविद्यालय के समस्त स्टाफ, समस्त एनसीसी के छात्र छात्राएँ और एनएसएस के छात्र छात्राएँ शामिल हैं। और इसमें जो 5 एमपी एनसीसी जो कंपनी है उसका स्टाफ का भी